ओके सबसे पहले आप ये किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरीके का किरदार एक किरदार का नाम आशा है एंड मैं बॉयज साइड की फैमिली से हूँ. बॉयज साइड की फैमिली में सिर्फ तीन लोग हैं, मोहित उनकी मॉम और आशा. आशा बेसिकली उनके पैलेस की केयर टेकर है और बहुत सालों से है, तो उसके पास भी काफ़ी सारे पावर्स है टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस और ट्रांजैक्शन. सो या दैट्स माय कैरेक्टर. ओके, सिंस ये स्टोरी जो है वो डायन पर बेस्ड है, तो सुपर नेचुरल पावर के इर्द गिर्द ये स्टोरी, तो आपका जो कैरेक्टर है वो कितना बिलीव करता है डायन? सी आई डोंट नो कैरेक्टर कितना बिलीव करता है, बट मैं तो बिलीव करती हूँ. बट इट्स नॉट ओनली सुपर नेचुरल, इट्स मिस्ट्री, इट्स हॉरर. सो ऑब्वियसली आप यू नो हमने अभी तक शुरू नहीं किया फुल फ्लेश, एटलीस्ट मेरे कैरेक्टर में. सो आई वुड से कि हाउ कैरेक्टर विल यू नो ग्रो वाइल शूटिंग. ओके, बाकी अगर बात करें हम दूसरे शोज की, जैसे स्टार्स है उस पर भी डायन पर बेस्ड नज़र ऑलरेडी चालू है, तो ये जो डायन का जो स्टोरी है वो कितना अलग होगा उस शो से? सी सबसे पहली बात तो ये बालाजी है, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट एंड फॉर मी आई कांट से मच अबाउट इट, क्योंकि मैं ये जॉनर पहली बार कर रही हूँ बिकॉज माय लास्ट शो वाज माय थ्रो. सो यू नो आई वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू ऑल द टाइम. हु डजंट वांट टू एज एन एक्टर, यू वांट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग. सो फॉर मी येस इट्स अ बिग थिंग दैट आई द एक्साइटमेंट फॉर मी इज दैट आई एम कमिंग बैक टू बालाजी आफ्टर 10 years. मेरा मेरे करियर की शुरुआत बालाजी से हुई थी 2006 में और आई थिंक द लास्ट शो आई डिड विद बालाजी वाज 2010. सो या आई एम एक्साइटेड टू बी बैक विद बालाजी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Okay, hi, my name is Akash Dharwa to begin with. मैं इसमें हर्ष का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ. हर्ष का जो कैरेक्टर है इट्स अ वेरी ही इज़ अ वेरी सिंपल गाय जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और वो उससे इतना प्यार करता है कि वो उसके लिए कुछ भी करता है. मतलब अगर उसे कुछ चाहिए रातों खाने के लिए और वो दूसरे शहर में मिलता होगा वो जाएगा और लेके आएगा, उसे कभी नाराज़ नहीं करेगा. और ये अपनी सास से बॉर्डर है. दिस इज़ मोर लाइक अ कॉमिक थिंग दैट आई एम एक्सप्लोरिंग दिस टाइम. So that's what it is. Okay. Since this story is all about supernatural power, Daayan ki it ye story jo hai wo kehti hai, to aapka jo character hai wo kitna believe karta hai Daayan mein? Wo I think iska jo belief hoga, because abhi bhi it's the early days for the show, aur iska jo belief hoga I think wo built up hoga with time. Jab ghar pe incidents honge, I think it starts with Janvi to begin with. Wo dekhti hai to स्टार्टिंग में वो भी बिलीव नहीं करती, देन जब इंसिडेंट होते हैं, कनेक्शन होता है, डॉट्स मिलते हैं, तो उसे बिलीव होता है इस चीज़ के बारे में. और कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स घर वालों पे भी असर ऑफ कोर्स करेंगे. अगर बात करें हम बालाजी टेलीफिल्म्स, हमेशा सस्पेंस के साथ में ऑडियंस को बनाए रखता है, तो ये शो कितना सस्पेंसफुल होने वाला है ऑडियंस के लिए? ऑफ कोर्स अगर हम देखें तो बालाजी का नागिन भी था व्हिच वाज डूइंग वेरी गुड एंड ऑफ कोर्स उनके और सीजंस भी आए एंड दे आर डूइंग वेरी गुड राइट नाउ एज वेल. सो वी हैव द सेम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस शो एज वेल. और हाँ, इसमें काफ़ी थ्रिल है और हॉरर भी है. इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ स्पाइस्ड अप शो. इट्स एन ऑल एंड ऑल एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस और ये ऑडियंस को आजकल बहुत पसंद भी आ रहा है, तो कीपिंग दैट इन माइंड आई थिंक इट शुड गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सबसे पहले आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके का किरदार निभा रही हैं डायन में? सो डायन में मेरे किरदार का नाम है विशाखा मौर्य. मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ और ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है विशाखा का, उसे शी इज़ मैरिड फॉर 10 years, उसे बच्चा नहीं हो रहा है और उसके देवरानी को बच्चा होने वाला है, वो प्रेग्नेंट है. तो उसके और उसके हस्बैंड के बीच में कहीं ना कहीं वो एक रिलेशनशिप में ना कोल्डनेस आ गई है क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा है. तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी थोड़ा फ्रिक्शन हो जाता है उसमें एंड शी इज़ अ लिटिल लो कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट और मेरे पहले मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हो गई है. तो द फैमिली इज़ वेरी नाइस, उसको मतलब अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो लोग को नहीं लगता कि अरे ये बच्चा नहीं दे पाई. तो ये कैरेक्टर बेसिकली थोड़ा सा मिस्टीरियस कैरेक्टर है क्योंकि आगे चल के जानवी के साथ जब चीज़ें होती है तो शी इज़ ऑलवेज़ वेरी इंक्विजिटिव कि क्या हो रहा है, सस्पिशियस रहती है थोड़ी. तो बहुत ही एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो अब आगे काफ़ी चीज़ें होने वाली है जो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा. सिंस शो जो है वो सुपर नेचुरल पावर पर बेस्ड है और उसी के इर्द गिर्द होती है, तो आपका जो किरदार है वो कितना बिलीव करता है डायन? मेरा जो किरदार है वो काफ़ी सुपरस्टिशियस है
तो वो डेफिनेटली बिलीव करता है ये सारी चीज़ों में. और इसीलिए जब जानवी, जब शो में पता चला, जैसे आपने देखा कि प्रोमो में कि जानवी को चीज़ें प्रिमोनिशंस हो रही है, चीज़ें कुछ ड्रीम्स आ रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो मुझे हमेशा एक इंक्विजिटिवनेस रहती है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. और शायद ये फैमिली में पास्ट में भी ऐसी कोई चीज़ शायद हुई होगी, तो जो कुछ राज है जो ये जानती है, तो उसे बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि अच्छा मुझे पता करना है क्या हो रहा है. और जो बालाजी है, उसके जो शोज होते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ऑडियंसेस को सरप्राइजिंगली सस्पेंस में छोड़ रहे हैं, तो ये शो जो है वो कितने सरप्राइजेस से भरा होता है? बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट हर एक एपिसोड एक सरप्राइज़ होने वाला है. हर एक एपिसोड में ऑडियंस को लगेगा कि ओ अब अगले हफ्ते क्या होगा या अब कल क्या होगा. सो और एक हॉरर तो है ही, साथ में एक मिस्ट्री चल रही है. और हर एपिसोड में आपको लगेगा अच्छा ये डायन है, अच्छा ये डायन है, शायद कल कोई सोचेगा मैं डायन हूँ. तो फैमिली का हर एक बंदा है जो कुछ लोगों पर शक जाएगा कि कौन कौन डायन है, क्योंकि द टैग लाइन ही बोलती है अपनों में छुपी कौन है वो डायन. नहीं नहीं घटी है और घटनी भी नहीं चाहिए. थैंक यू सो मच. मैं चाहेंगे किस तरीके का किरदार निभा रहे हैं आप? नरेंद्र मौर्य, जानवी मौर्य का फादर. टिपिकल उज्जैन की फैमिली है, वेरी हम्बल, पॉजिटिव, सिद्धांतवादी. लेकिन कुछ रीज़न की वजह से अपनी बेटी को बाहर भेज देता है पढ़ाई करने के लिए. और सारी की दुकान है और आई एम दी हेड ऑफ़ द फैमिली एज ऑफ नाउ. माय एल्डर ब्रदर नहीं है, भाभी है मेरी, और तीन बच्चे और भाभी के दो बच्चे. ओके, सिंस ये स्टोरी जो है सुपर नेचुरल पावर्स पे बेस्ड है, डायन की स्टोरी होती है, आपका कैरेक्टर जो है वो कितना बिलीव करता है, क्योंकि आपकी बेटी जो है उसके उसे ही को सब कुछ नज़र आता है, तो आपका कैरेक्टर कितना बिलीव करता है? शुरू में तो नहीं बिलीव करता है, बट आगे चल के जैसे स्टोरी बढ़ेगी थोड़ा थोड़ा उसे भी शक होने लगेगा. और फिर वो कैसे बेटी कैसे डायन को ओवरपावर करती है, तो फादर विल सपोर्ट. बालाजी जो है वो काफ़ी सरप्राइजेस और ऑडियंसेस को सस्पेंस में रखने के लिए जाना जाता है, तो ये शो कितना सस्पेंस भरा रहेगा? बहुत सस्पेंसफुल है, हर एपिसोड में एक सस्पेंस खुलेगा जो आप सोचेंगे वो नहीं होगा, इतनी गारंटी मैं भी देता हूँ. और एकता ने बड़े ज़ोर से बोला है कि ऐसा शो आज तक कभी ये जॉनर का अभी तक आया नहीं है, तो होपफुली इट विल बी वेरी एनग्रॉसिंग फॉर एवरीवन. ओके, जैसे कि आपने बोला कि इस जॉनर में शो अभी तक आया नहीं है, लेकिन ऑलरेडी स्टार प्लस पे नज़र नाम का एक शो चालू है जो डायन पर बेस्ड है. हाँ. तो ये शो कितना ये बहुत अलग है, बहुत अलग है, और आप जो एंड सोचोगे वो एंड होगा नहीं, दैट इज द मिस्ट्री. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मैं जो मेल लीड है मोहित, उसकी मदर का किरदार निभा रही हूँ. सो वी कम फ्रॉम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एंड वेरी रिच, अल्ट्रा रिच फैमिली एज यू कैन सी, एंड वी आर रनिंग अ पैलेस, एंड आई थिंक आई एम हेल्पिंग माई सन टू रन द बिजनेस, एंड आई एम वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिम एंड लव हिम टू बिट्स, विल डू एनीथिंग फॉर हिम. एंड किसी हद तक थोड़ी उसकी लाइफ कंट्रोल करना चाहती है, बट ही हैज़ हिज ओन माइंड, सो दैट्स माय कैरेक्टर. सिंस द स्टोरी इज ऑल अबाउट डायन, तो आपका जो कैरेक्टर है वो कितना बिलीव करता है डायन? माय कैरेक्टर पढ़ी लिखी औरत है, शी इज अ विडो, एंड बिकॉज शी इज एजुकेटेड, वो I wouldn't say that she's too superstitious about it, but कहीं ना कहीं आप एक, कई लोग होते हैं जो agnostics, अगर आप समझते हो क्या होता है कि भगवान है नहीं है पता नहीं, so they are going on a thin line कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. तो probably she's like one of those, वो कहती है, सोचती है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, अगर भगवान है तो सेटन भी होगा या डायन भी होगी, चुड़ैल भी होगा, अगर नहीं है तो ये भी नहीं होगा. तो शी इज़ समवेयर जस्ट नॉट एबल टू मेक अप अ माइंड कि, और एंड एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस और उसको जैसे जैसे उसके साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो प्रॉब्ली शी स्टार्ट्स बिलीविंग इन इट. सिंस शो जो है वो बालाजी 10 फिल्म्स के साथ में है, तो
बालाजी के जितने भी शोज होते हैं वो ऑलरेडी ऑडियंसेस को बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में रखते हैं, तो ये शो ये आप ये मानिए कि ये शो इतना सस्पेंस में है कि हमें भी नहीं मालूम है कि एंड आई एम नॉट इवन किडिंग यू, हमें भी नहीं मालूम है कि डायन कौन है. वो एट द एंड ऑफ द एपिसोड्स ही पता चलेगा एंड थ्रू द एपिसोड्स आई थिंक द स्टोरी लाइन इज डेवलपिंग एज सच कि वो हर एक पे शक जाएगा. मेरे पे भी एक पॉइंट पे शक आएगा, बेटे पे भी आएगा, हर किसी पे आएगा. सो ये वाला सस्पेंस इज रियली नर्व रैकिंग आई वुड से. बिल्कुल नहीं पता चलता है, हम भी मतलब बिल्कुल ऐसे बैठे हुए कौन है कौन है कौन है कौन है कर रहे हैं हम लोग, ये हो रहा है. या थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो प्रोमोज़ के रिव्यूज़ तो डेफिनेटली बहुत अच्छे आए हैं, लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं प्रोमोज़ के रिव्यूज़. सो डेफिनेटली आई एम श्योर ऑडियंस जब ये शो देखेंगे ऑन एयर सैटरडे संडे को रात के 9 बजे एंड टीवी में, सो डेफिनेटली उनको बहुत अच्छा लगेगा और आई एम श्योर रिव्यूज़ बहुत अच्छे आएंगे और ऑडियंस बहुत प्यार करेंगे और उनको एंटरटेनिंग डेफिनेटली लगेगा. एंड वी प्रोमिस सी बालाजी टेलीफिल्म्स इटसेल्फ, एकता मैम ने जितने भी ऐसे सुपर नेचुरल शोज़ किए हैं इट्स ऑलवेज बीन वेरी एंटरटेनिंग, सो आई एम श्योर ये भी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगेगा. टीवी पर काफ़ी टाइम बाद जो है एक कमबैक के तौर पे आने वाली है, तो इतना टाइम क्यों लगा दिया आपने? 4-5 महीने बहुत काफ़ी टाइम होता है क्या? मेरे को लगता नहीं है. आई थिंक 5 मंथ्स इज़ प्रीटी गुड इनफ यार, लोग तो 5-5 साल के बाद भी शोज़ करते हैं. सो आई थिंक 5 महीना बहुत ज़्यादा अगर लगता है आप लोगों को, सो आई रियली डोंट नो बिकॉज़ आई थिंक आई नीड दैट मच ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ. आई हैव वर्क विद हर बिफोर एज वेल, सो इट्स लाइक होम कमिंग फॉर मी. सो डेफिनेटली शी इज़ ऑलवेज डन ग्रेट वर्क, शी इज़ अ क्वीन ऑफ टेलीविजन, सो ऑफकोर्स इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स. बिकॉज आई फाउंड द स्टोरी रियली ग्रिपिंग एंड इंटरेस्टिंग, सो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए. इट्स नॉट लाइक कि मुझे लगा कि मुझे यही करना पड़ेगा, बट ऑफकोर्स आई ऑलवेज गो विद द कॉन्सेप्ट, आई ऑलवेज गो विद द प्रोडक्शन हाउस हुम आई वर्क विद, बिकॉज अच्छा प्रोडक्शन हाउस आप एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करता है. सो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो लिटिल मैं थोड़ा सोच समझ के काम लेती हूँ. ऐसा नहीं कि मेरे पास शोज नहीं आए थे, नेगेटिव कैरेक्टर्स, ग्रे कैरेक्टर्स, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, कैमियोज, अ लॉट ऑफ ऑफर्स हैड कम, बट आई सी द चैनल ऑल्सो, आई सी द प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, एंड अबव ऑल आई सी द कॉन्सेप्ट ऑल्सो. सो डेफिनेटली मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा जिसकी वजह से मैंने ये शो किया. आप मानते हैं काला जादू होता है क्या लगता है? बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली, बट मैं यही मानती हूँ कि पता है बुराई जो होती है या बुरी चीज़ें जो होती है उसका एक टैगलाइन के साथ आता है, वो हमेशा लास्ट नहीं करता है. तो सॉरी, जो भी आपके साथ बुरा करे तो वो ज़्यादा दिन तक आपके लिए लास्ट नहीं करेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो कहते हैं अच्छाई की जीत हमेशा होती है, अच्छाई बहुत लंबे समय तक रहता है. सो जो भी काला जादू या जो भी नेगेटिव आपके साथ कुछ करे वो उनके ऊपर इट विल फॉल बैक. थैंक यू. या पहले इंसान हो जिसने मुझे ऐसा बोला. ये झुमके मेरे पर्सनल झुमके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे बहुत सुंदर लगा और आउटफिट के साथ जा रहा था ऐसे. वैसे तो मेरे कान ऐसे लग रहे कट जाएंगे इतना वजन है, बट देखो लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए, इतनी मेहनत करके झुमका पहन के रखे. बट या इट्स अ वेरी सिंपल कॉटन की सूट पहनी है मैंने, बेबी पिंक मुझे बहुत पसंद है, एंड चूड़ीदार स्लीव, चूड़ीदार पैंट्स एंड सिल्वर रिंग. सो दैट्स इट. मैं कब शादी कर रही हूँ ना, गुड क्वेश्चन, मुझे खुद को ही नहीं पता, मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बताइए. अभी तक तो नहीं कर रही हूँ पर ढूंढ रही हूँ. ओके, आपके किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरीके का किरदार? आई एम पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ जाह्नवी मौर्या, जो बेसिकली उज्जैन से है, दिल्ली गई थी हायर स्टडीज करने के लिए और भाभी की गोद भराई के लिए आती है. शी इज़ वेरी नाइफ, शी इज़ वेरी इनोसेंट, बहुत प्यारी सी हैप्पी गो लकी लड़की है. और किस तरह से वो डायन से, क्यों डायन उनके सपने में आते हैं, बच्चे क्यों सपने में आते और किस तरह से बच्चों को बचाने की कोशिश करती है. सो दैट द स्टोरी लाइन एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड जाह्नवी मौर्या, एंड जाह्नवी कैसे बच्चों को बचाती है और डायन से कैसे शी ओवरकम्स डायन एंड फाइट्स विद डायन. ओके, अगर बात करें हम सुपरनैचुरल पावर्स पर, अभी काफ़ी शोज जो है ऑलरेडी रनिंग पर है, तो ये शो कितना अलग बनाता है आपके शो को, किस तरीके से अलग बनाएगा? बिकॉज आई थिंक डायन के ऊपर अभी तक कोई शो बना नहीं है. अलॉट ऑफ सुपरनैचुरल की बात की जाए तो सुपरनैचुरल बहुत सारे शोज बने हैं, बट पर्टिकुलरली डायन के ऊपर हमने अभी कोई शोज देखे नहीं है. सो डेफिनेटली दिस वुड बी वन ऑफ द रीजन कि ये बाकी शो से थोड़े अलग होंगे. डन है यार, बहुत सारे लोग हैं.